अब आई सब पार्क हियर, इट्स द पैंगोंग लेक। अभी थोड़ी सी रात हो गई इसलिए ब्लू ब्लू कम दिख रहा है। दिस इज द टेंट 110 नंबर का, और इसके अंदर घुसते ही कोजी कोजी रूम। दैट्स अ बिग बेड, यहाँ पे मुरारी का सामान है, वहाँ पे भी मुरारी का सामान है, और एक छोटा सा हेलमेट। और वाह, लुक्स नाइस, सही है। अभी काफ़ी वाटर क्रॉसिंग किया है भाई, क्या हालत है गाड़ी की। गुड, गाइस हम लोग आ गए वापस टेंट में। यहाँ पे इतनी सॉलिड ठंडी है ना, हम लोग पैंगोंग लेक गए थे, इतनी गंदी ठंडी है। मैंने अंदर मेरा ड्राई फिट है, उसके ऊपर जीन्स है, इसमें भी ड्राई फिट है, टी शर्ट है, और ये एक जैकेट भी है ठंडी का, मंकी कैप प्लस दो कंबल, एक ये दो, इतने में बैठे हैं हम लोग। और हवा आपको दिखा तो पूरा टेंट हिल रहा है। इतनी सॉलिड ठंडी हवा चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अभी यहाँ पे ना 2 घंटे में पावर ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सब सोलर में चल, चार्जिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे आगे ही एक डाइनिंग हॉल है, वहाँ पे 5-10 सॉकेट है। यहाँ के पूरे गेस्ट वहाँ पे जाके अडाप्टर लगा रहे हैं उनके फ़ोन का चार्ज करने के लिए, जगह ही नहीं है वहाँ। कल हम लोग यहाँ से ले जाएंगे, गोप्रो का मेमोरी फुल हो चुका है और उसको ट्रांसफ़र करना है लैपटॉप में। लैपटॉप का बैटरी है 10% पे, तो ये सब है। वहाँ पे पैंगोंग लेक एकदम, अगर सन ऊपर आती है ना तो ब्लू ब्लू दिखता नहीं है। अभी वहाँ पे देखो शैडो है, तो वहाँ पे ब्लू दिखेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ले, तो यहाँ से ले डिफरेंट रूट है, बट 2-3 मोटर क्रॉसिंग्स मिलने वाली है। हम लोग जल्दी निकल रहे हैं, तो टाइम इज़ 8:30, ताकि धूप एकदम कड़क हुए ना तो फिर वो बर्फ़ पिघल के फिर वाटर क्रॉसिंग आ जाएगा। तो चांगला पास से हम लोग ले जाएंगे, दिस विल बी अ डिफरेंट रूट। बैटरी इधर आते आधे घंटे में डुस हो जाती है, 33 मिनट्स ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम है, क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं कर पाया क्योंकि लैपटॉप में बैटरी कम है। यार ये बेकार से टेंट्स में चार्जिंग पॉइंट ही नहीं, वेरी वेरी ओवररेटेड प्लेस, आई सीरियसली डिडंट लाइक द प्लेस। क्या बोलूँ यार, छोड़ो, अभी जिसको अच्छा लगता है आइए, जिसको नहीं अच्छा लगता है, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट व्यू ऑफ द पैंगोंग लेक देख लो भाई, वो नीचे कैंप्स थे वहाँ पर रुके थे हम। चलिए all the different colors of Pangong Lake, a sort of Puga Valley, dekho barish ho rahi hai yaar, ma ka kasam, oh yaar wild horses are also here, kya mast lag raha hai, agar ye saath mein bhagte na yahan pe maza hi aata jane, magical world। बाप रे, कैसे कैसे मैंने ये GoPro की बैटरी चार्ज की आपको बता नहीं सकता। मौसम तो देखो यार, आगे इधर ही ड्रिजलिंग हो रही है, मैप लगाया हुआ है भगवान। ले 115 किलोमीटर है यहाँ से, टाइम हो रहा है 9:42। चांगला पास से जाएंगे आज ले, देखते हैं चांगला पास कितना ऊपर है। मुझे कुछ आइडिया नहीं है ये सब, क्योंकि मैं कोई रिसर्च करके नहीं आया, जस्ट राइडिंग। यहाँ पे सब रुक रहे हैं अभी, ये देखिए ये है दुर्दुक। ए गांव का नाम क्या है? दुर्दुक। तो दुर्दुक आए हैं हम, ठीक है। अब ये जो बुलेट वाला आ रहा है यहाँ से है अपना हुंदर से, अभी आप यहाँ पे आएंगे पैंगोंग के लिए। अब पैंगोंग से फिर ले जाना है, तो दुर्दुक से आप लेफ्ट मार के चांगला पास होके ले जाएंगे। गाइस ले की तरफ स्टार्ट हो गए हैं, रास्ते में कुछ बाइकर्स मिले थे, उनको हमने वार्न कर दिया भाई यहीं से दुर्दुक से ही आप मैसेज डाल दो आपके फैमिली को कि हम लोग पैंगोंग जा रहे हैं, नो कवरेज जोन, क्योंकि फालतू में परेशान हो जाता है ना फैमिली। यहाँ पे कवरेज का भी सीन है यार,
अब सिचुएशन ऐसा है कि मनाली में दो दिन पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो वहाँ पे वो फ्लड चल रहा है, और श्रीनगर के साइड में बालथल जो टनल है वहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, सो मेरे लिए हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या है सिचुएशन, कुछ आइडिया नहीं है। अभी ले पहुँच के हम फिर वहाँ का सिचुएशन ज़रा कोऑर्डिनेट करते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम बनेगा। अभी फ़िलहाल तो चांगला पास है अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन, विच इज़ ऑल्सो 17,000 समथिंग फीट, थोड़ा आसपास ही है खारदुंगला के, ऐसा मैंने सुना है। देखते हैं आगे क्या होता है, बस चढ़ाई चढ़ते जा रहे बस। अभी यार मस्त झरना बह रहा है, मस्त बारिश हुई थी, अभी थम गई है, बस सही है ना। साइड में ग्रीन, फिर वाइट रिवर, ऐसा मतलब वो रैपिड्स टाइप छोटा सा है, पर क्या सही लग रहा है। वायलेट फ्लावर्स, ब्लैक रो, ब्राउन माउंटेन्स, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, सही। ओ भाई वो फट रही है भाई, ये आग भाग क्या आ रहे। गाइस सॉरी, बैटरी लो हो गया था इधर, तो फट बैटरी लो हो जाता है, देखो स्नो क्लैड माउंटेन्स आ गए, अभी बीच में याक भी दिखे थे, पापा का भी बैटरी डाउन हो गया था, तो थैंकफुली मिल गए ये लोग। नाक तो बह रही है, अभी सन आया है, मैंने ग्लव्स भी चेंज कर दिया, ठंड है भाई बहुत। देखो नज़ारे यहाँ के, रास्ते अभी ख़राब हो गए फिर से, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है, वो सब चल रहा है, रोड बिल्डिंग, पेमेंट, ब्लॉक्स, ब्रिजेस का काम चल रहे हैं यहाँ पे। रायलको इज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल एक्सेप्ट वेट रोड्स, बाकी सब में तो अच्छी काम कर रहे हैं, वेट रोड्स में नहीं काम आता ये, सटकने लग जाती है, डर लगता है। गाइस ये पता नहीं गोप्रो को क्या हो रहा है, ये हैंग हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं कैसा ब्लॉग बनेगा। एवलांच एरिया है, जब यहाँ पे ठंडी फुल एकदम स्नो पूरा भर गया होता होगा, तो यहाँ से एवलांच का इशू होता हो। तो अभी किसी की तो सांस फूल रही थी, कौन है अली पत्रा वाला, अबे पेट्रोल 3 डंडी है। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। चांगला पास पहुंच गए हैं मेरे भाई और बहनों, 17,490 फीट। कोई फोटो वोटो नहीं निकालने का भाई, वो थक गए, और 40 किलोमीटर ऐसा रास्ता है, बाप रे क्या ही होगा रे हमारा। क्या ऑफ रोड है यार, ये वाला सही लग रहा है। तेरी माँ का चांगला पास के बाद एक व्यू पॉइंट में रुक गए, ये देखिए ये सब मरियल रास्ते से जा रहे हैं हम, ये ऐसा जाता है रास्ता, एंड डाउन द माउंटेन इन डाउन। और ये मुरारी भाई, यहाँ पे तो रोड का हाइट बढ़ा रहे हैं, यहाँ से बोले बाइक आराम से ले जाने, बुलडोज़र ही नहीं जा पा रही है, बाइक कहाँ से जाएगी। तो देखते हैं व्हाट ऑल एडवेंचर अवेट्स, एंड यहाँ पे बिग बिग रॉक्स, प्लीज़ स्टे देयर, डोंट कम टू मी। चलो भाई फाइनली अच्छे रोड्स आ गए, इतना अच्छा लग रहा ना, एकदम स्मूथ लग रही है गाड़ी, खड़ सब ख़त्म। Ali the man, Ali Patrawala is going in front and is very very slow, dug dugi, mast lag raha na, ye dusra goy group hai unke sath hi ride kar raha hu mast, mujhe mai
आई थिंक ये लोग तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश से हैं, या बैंगलोर भी हो सकता है, हैदराबाद भी हो सकता है, कन्नड़ ही बात कर रहे थे। मजा ही आ गया जी। अरे फिर भी थोड़ा बचता है यार, अब इससे ज्यादा क्या लेता हूँ मैं, छोड़ो। मजा आ गया, ये देखो जा रहे लोग। पेट्रोल का दो ही काटा बचा था, हमने अभी यहाँ पे पेट्रोल भर लिया, अभी ही 23 किलोमीटर्स में ले आ जाएगा। अबू पैलेस होटल करके जगह है, वहाँ पे हमारा स्टे है आज, और फिर आज डिसाइड करेंगे सरचू और सोमरेरी जाना है कि नहीं। क्या है ये, आई हैव नो आइडिया। शेर पैलेस, अच्छा देखो तो भगाने में इतने मग्न है कि क्या करें। गाइस ले सिटी पहुंच गए हैं फाइनली, द होटल इज 1.3 किलोमीटर्स। मैं उमेश और मुरारी है, बाकी सब एकदम पीछे है। विल हैव टू वेट फॉर देम, वेट। इधर ही 900 मीटर पे ले की गलियों में आपका स्वागत है। यहाँ से एक मिनट पे है होटल, देखते हैं अभी क्या है होटल। पहुंच गए भाई, ये है अबू पैलेस होटल।